मैं आपका परिचय करवा दूंगा। आप एक टीवी कलाकार हैं और टीवी के धारावाहिक में जमुनिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौशिक जी की पांच बीवियां और न जाने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अक्सर आप इनको देखते हैं। आप रुकी में एक रंगमंच चला रहे हैं, आपके साथ निधि और उदित जी आए हैं जो एक हास्य नाटक का प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूंगा संजय कपूर जी अपने मंच के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं सरोगिता बंसल शर्मा, नगर नाट्य प्रमुख संस्कार भारती रुकी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, क्योंकि इतनी तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं, लोकगीत, लोक नृत्य आपको सिर्फ एक साथ भारत में ही देखने को मिलेंगी। ऐसी ही एक कला की साधना मैं भी करती हूँ जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाटिका कथा एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें आप एक साथ कितनी ही किरदार कर सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपकी आत्मा आपको साथ दे कि मुझे कुमारी बनना है या बिल्ली बनना है या रानी बनना है। एक कलाकार बनना ऐसा बोला जाता है कि जब 100 राजकुमार मरते हैं तब एक कलाकार पैदा होता है। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, श्री मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कौशल। कौशल कहानी है एक पति पत्नी के आसक्त की नोक झोंक की, किस तरह से एक पत्नी को एक हार की लालसा है और वो अपने पति से किस तरह से वो हार बनवाती है। तो आइए हम सब देखते हैं कौशल। माया को बहुत दिनों से हार की लालसा थी और वे सैकड़ों ही बार पंडित जी से उस हार के लिए आग्रह कर चुकी थी। इनको पंडित जी नीला वाला करते रहते थे। यह तो कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है, क्योंकि इसको क्रमा में बट्टा लगता था, कर ग्राम की शरण लिया करते थे। गहनों में कुछ लाभ नहीं, एक तो भागु अच्छी नहीं, ऊपर से सोना धोने के आधा काले कर देता है, और सबसे बड़ी बात घर में गहने रखना चोरों को नेमता देना है। घड़ी और श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति, सिर पर अपना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र ना जानती थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती, मगर पड़ोसियों को देख देख के उसका भी जी लग जाता। आसान भी हो जाती, मगर वो अपना अधिकांश समय भोजन में और विश्राम में ही व्यतीत किया करते थे। उन्हें पत्नी की कटौती सभी बल्दियों थी, मगर अपने विश्राम और निद्रा में तरक्की सभी लगा लेते थे। एक दिन संध्या समय पंडित जी जब पाठशाला से घर लौटे तो देखा माया के गले में एक सोने का हार।
ऐसे कर। अच्छा बहुत अधिक, इसके लिए मुझे अपने आप की स्वतंत्रता का